गुड मॉर्निंग, सभी का स्वागत है सीएल करियर अकेडमी में। आइए हम आज का करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। बेहद महत्वपूर्ण कहता, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। देखिए सुबह आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, सीएल करियर अकेडमी के प्लेटफॉर्म पर आपको शानदार करंट अफेयर्स मिलेगा और जो परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। ये जो अभी दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल का जो एग्जाम हो रहे हैं, लगभग सारे प्रश्न हमारे पीडीएफ से हैं। अगर पिछले 6-7 महीने 8 महीने के जो करंट अफेयर्स जो लगातार जिसने पढ़े हैं, उनके लगभग प्रश्न ठीक हो जा रहे हैं। आप लोग एक बार पढ़िए और इसको देखिए। सुबह 7:30 बजे आपको लाइव क्लास मिलेगा। 7:30 बजे जो है आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं सीएल करियर अकेडमी के प्लेटफॉर्म पर। 7:30 AM प्रतिदिन आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। यहाँ पे आपको करंट अफेयर्स मिलेगा और साथ ही साथ आपको इसका फुल डिटेल एक्सप्लेनेशन, जो जितने भी जरूरी फैक्ट है, स्टैटिक जीके के फैक्ट हैं, आपको यहाँ पे मिलेगा। तो आप इसको लगातार पढ़िए, लगातार आप यहाँ पर प्रैक्टिस करिए। हमारे यूट्यूब चैनल पर हर एसएससी के सभी एग्जाम्स, एसएससी सीजीएल प्री प्लस मेंस का बिल्कुल कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स चलाया जा रहा है। उस पर आपको रीजनिंग, मैथमेटिक्स, जीके के सभी पोर्शन, करेंट अफेयर्स, इंग्लिश, कंप्यूटर, सब कुछ मिलेगा आपको। आपको बस प्रैक्टिस करना है और ये सारी चीज़ फ्री है। आप हमारे सीएल करियर एकेडमी के ऐप से भी जुड़ सकते हैं, सीएल करियर एकेडमी नारनौल के नाम से है, जिस पर आपको क्लासेज मिलती है और उस पर आप हमारे साथ ऐप के थ्रू जुड़ सकते हैं मात्र 1,999 रुपये में 1 साल के लिए। मतलब 1,999 रुपये में हमारे साथ 1 साल के लिए 12 महीने के लिए जुड़ सकते हैं। आप देखिए कि आपका पर महीने 200 से भी कम पड़ रहा है और आप शानदार लुत्फ उठा सके बेहतर क्वालिटी पूर्ण एजुकेशन के लिए। तो चलिए हम करेंट अफेयर्स की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा जो पहला करेंट अफेयर्स होगा वो आपके सामने स्क्रीन पर है। भुवनेश्वर से किस लोकसभा सांसद को अंतर संसदीय संघ, इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन IPU की कार्यकारी समिति के सदस्य के रूप में चुना गया है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, ध्यान रखेंगे। भुवनेश्वर से, अर्थात भुवनेश्वर उड़ीसा में है, आप याद रखेंगे उड़ीसा में है ना। किस लोकसभा सांसद को अंतर संसदीय संघ, इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन IPU की कार्यकारी समिति के सदस्य के रूप में चुन लिया गया है? तो इसका क्या जवाब होगा, आप लोग एक बार उत्तर दीजिए। इसका जो जवाब होगा वो होगा अपराजिता सारंगी। उत्तर होगा ए, अपराजिता सारंगी, बिल्कुल सही जवाब है। भुवनेश्वर उड़ीसा से लोकसभा के सांसद हैं। अब ये क्या होता है आप लोग इसके बारे में जानेंगे, शानदार। ये प्रश्न इसे डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है, डायरेक्ट ये प्रश्न आपसे होगा। ओडिशा के सांसद ने किगाली, रवांडा की राजधानी है किगाली, वहां पर बैठक हुई थी जिसमें चुनाव हुआ। इनको कहां चुना गया, रवांडा एक अफ्रीकी देश है, रवांडा के किगाली में हुए चुनाव में इनको सदस्य चुना गया। ये भी याद रखना है कि कहां चुना गया है ना। इनका चुनाव हुआ रवांडा के किगाली में, जो बैठक हुई वहां पर इनको चुना गया है। ये याद रखिएगा, बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। पंद्रह सदस्यीय कार्यकारी समिति में भारत का प्रतिनिधित्व करी, ये जो कार्यकारी संघ है, ये जो समिति है, कार्यकारी समिति है ना, कार्यकारी समिति 15 सदस्य होते हैं और इसमें भारत की तरफ से 15 सदस्य होते हैं, ये बात याद रखना है। 15 सदस्य होते हैं, दैट इज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये जो समिति है इसमें 15 सदस्य होते हैं जिनमें इनको चुना गया है। भारतीय संसदीय प्रतिमंडल का नेतृत्व राज्यसभा में उपसभापति हरिवंश नारायण है ना, हरिवंश नारायण कर रहे हैं। 20 वर्षों में पहली बार होगा जब भारत का अंतर्राष्ट्रीय समिति में अपना प्रतिनिधित्व होगा है ना। भारतीय संसदीय प्रतिमंडल, प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व, यहां मैं लिख देता हूं भारतीय, यहां पर जो दल गया है भारतीय प्रतिनिधिमंडल मंडल का नेतृत्व कौन कर रहा है, हरिवंश नारायण।
हरिवंश नारायण कर रहे हैं। हरिवंश नारायण कौन है? राज्यसभा के उपसभापति हैं। हरिवंश नारायण क्या है? राज्यसभा के उपसभापति, राज्यसभा के उपसभापति हैं। किस पार्टी से हैं? जेडीयू, जनता दल यूनाइटेड, नीतीश कुमार वाली। तो भारतीय प्रतिनिधिमंडल जो रवांडा के किगाली में गया था, जिसमें इनको चुना गया है, उसका नेतृत्व तो कौन कर रहा था? हमारे हरिवंश नारायण के द्वारा किया जा रहा था, जो राज्यसभा में उपसभापति हैं। ये प्रश्न आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सभी लोग इस बात में भाग लेंगे। ये जो बैठक हो रही थी, 145वीं बैठक है अंतर संसदीय संघ की, 145वीं बैठक है। और ये बैठक कहां हो रहा था? रवांडा की गाली में। ये बैठक हो रहा था रवांडा के किगाली में हो रहा था। 145वीं बैठक है। अंतरिम संसदीय संघ की स्थापना 1889 में हुई थी। आईपीयू, आईपीयू की स्थापना कब हुई थी? यहां पर आप याद रखेंगे, आईयूपीयू की स्थापना, आईपीयू है ना, स्थापना 1889 में। हेड ऑफिस जो है जेनेवा में है। हेड ऑफिस कहां है आईपीयू का? जेनेवा में है, ये भी याद रखना है। और इसके अध्यक्ष कौन है? कृपाण हुसैन। अध्यक्ष कौन है? कृपाण हुसैन चौधरी। अध्यक्ष कृपाण हुसैन चौधरी, ये सभी लोग याद रखेंगे, कृपाण हुसैन चौधरी। आईपीयू की स्थापना 1889। तो सारी बात याद रखेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप लोगों को परीक्षा में ये प्रश्न अवश्य आएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं हम। हाल ही में किस देश में गूगल प्ले पॉइंट लॉन्च हुआ है? क्या लॉन्च हुआ है? गूगल प्ले पॉइंट प्रोग्राम लॉन्च हुआ है किस देश में? इसका क्या उत्तर होगा? तो इसका जो उत्तर होगा वो उत्तर हो जाएगा भारत, इंडिया, भारत इसका बिल्कुल सही जवाब है। हाल ही में किस देश में? तो गूगल प्ले पॉइंट प्रोग्राम भारत में लॉन्च किया गया है ना, बहुत महत्वपूर्ण है। इससे क्या मतलब क्या है? पहले ही 28 देशों में चल रहा है। उद्देश्य क्या है? ज्यादा से ज्यादा यूजर्स को अपने साथ जोड़ना। उद्देश्य, उद्देश्य जरूर याद रखिएगा, ज्यादा से ज्यादा यूजर्स को अपने साथ जोड़ना, यही इसका उद्देश्य है। ज्यादा से ज्यादा यूजर्स को अपने साथ जोड़ना गूगल के साथ। तो भारत में यह पहले से ही 28 देशों में चल रहा है। 28 देशों में पहले से ही लॉन्च हो चुका है। तो गूगल प्ले पॉइंट प्रोग्राम भारत में लॉन्च कर दिया गया है, पहले से 28 देशों में चल रहा है। और इसका उद्देश्य है ज्यादा से ज्यादा यूजर्स को अपने साथ जोड़ना। अब क्या है कि इसके साथ गूगल प्ले से सर्विस को आप क्या करेंगे, इंस्टॉल करेंगे, इसमें आपको नंबर दिया जाएगा और नंबर के थ्रू इसमें रिवार्ड भी मिलेगा। यूजर्स जब गूगल प्ले स्टोर में जाकर बहुत सारे जो है सब्सक्राइब करेंगे और बहुत सारे प्रोग्राम जब इंस्टॉल करेंगे तो और यूज करने पर पॉइंट मिलेंगे, और पॉइंट मिलने के साथ उनको क्या मिलेगा? साथ ही साथ उनको रिवार्ड मिलेगा, गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज, प्लेटिनम, इस तरीके के रिवार्ड जो है प्राप्त किए जाएंगे। तो आप ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। हाल ही में तेंसुला या इसको बोलते हैं मेंसुला भी रहता है, आओ का निधन हुआ, वे कौन थी? मेंसुला आओ कौन थी जो निधन हुआ है? मेंसुला आओ ये कौन थी? तो या इसको बोलते हैं तेंसुला आओ, है ना, और ये थी लेखिका, तेंसुला भी इनका नाम है, तेंसुला आप सही इसका हो जाएगा, तेंसुला भी या तेंसुला आओ, है ना। ये क्या थी? तो ये एक लेखिका थी जिनका हाल ही में निधन हो गया, पद्मश्री प्राप्त हुआ था इनको, इनको पद्मश्री पुरस्कार भी जीता। एक नागा लेखिका थी, नागा लेखिका,
9 अक्टूबर को 2022 को दिसपुर, दिसपुर कहाँ है? असम, असम में निधन हो गया इनका। दिसपुर असम में निधन हुआ है। यह नागा लेखिका थी, 9 को इनका निधन हो गया था, है ना, तेमसुलाओ। और ये एक लेखिका है, पद्मश्री पुरस्कार भी देता है। इनके सम्मान में वहां पर श्रद्धांजलि व्यक्त किया गया साहित्य अकादमी में। लेखिका तेमसुलाओ के स्मृति में श्रद्धांजलि का भी आयोजन किया गया। तो ये ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। विश्व बैंक ने किस राज्य में साल्ट परियोजना के लिए 250 मिलियन का ऋण दिया है? किस राज्य में? तो इसका जो सही जवाब आप लोग बताइए, सही जवाब इसका बताइए क्या होगा। इसका उत्तर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश इज द राइट आंसर, बी बिल्कुल सही जवाब होगा। आंध्र प्रदेश में 250 मिलियन का ऋण किसने दिया है? विश्व बैंक ने दिया है, याद रखना है, विश्व बैंक के द्वारा दिया गया है। आंध्र प्रदेश में नमक प्रयोग संबंधित जो कुछ बातें, स्कूली शिक्षा क्षेत्र की पहली परियोजना है जिसे विश्व बैंक द्वारा बिना किसी पूर्व शर्त के पोषित किया जा रहा है। पिछले 3 वर्षों में स्कूली शिक्षा पर लगभग 53,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं, है ना, आंध्र प्रदेश। तो ये आप याद रखेंगे, बेहद महत्वपूर्ण होगा। 250 मिलियन, विश्व बैंक के बारे में जानते हैं, विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक। इसकी स्थापना कब हुई थी? दिसंबर 1945। हेड ऑफिस कहां है? वाशिंगटन डीसी, वाशिंगटन डीसी है। इसके हेड कौन है? डेविड मालपस। और डेविड मालपस कहां के हैं? ये यूएसए के हैं। डेविड मालपस यूएसए के हैं, याद रखिएगा। विश्व बैंक है ना, संरचनात्मक विकास के लिए लोन देता है, विकास के लिए लंबी अवधि का लोन, लंबी अवधि ऋण देता है, याद रखिएगा। और विश्व बैंक के सदस्यों की संख्या 190 है, इसके सदस्य हो चुके हैं। तो 250 मिलियन का ऋण आंध्र प्रदेश के लिए दिया है। आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती। आप बताइए इनके मुख्यमंत्री कौन है? सीएम, आंध्र प्रदेश के सीएम जगनमोहन रेड्डी, जगनमोहन रेड्डी इनके सीएम है। ये दो बातें याद रखिएगा। गांबिया में बच्चों की मौत पर डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट की जांच के लिए सरकार ने किसकी अध्यक्षता में विशेष समिति का गठन किया है? यह बात आप याद रखें, किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन हुआ है, कहां पे? गांबिया में 66 बच्चों की मौत हो गई थी। तो इस रिपोर्ट की जांच करने के लिए जो है किसकी अध्यक्षता में एक पैनल बनाया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा डॉक्टर वाई के गुप्ता। सही जवाब डॉक्टर वाई के गुप्ता, ये बिल्कुल सही जवाब होगा। हुआ है कि भारत के कंपनियों के 3-4 प्रकार के सिरप जो वहां पर दिया गया था, भारत के, भारत में बनी हुई सिरप को, तो वहां पर 66 बच्चों की मौत हो गई है। गांबिया में 66 बच्चों की मौत, बच्चों की मौत हुई है, मौत हो गई है। तो WHO ने कहा है कि भारत का जो सिरप है, इसी सिरप के वजह से बच्चों की मौत हुई है। तो इस तरीके से भारत सरकार ने एक समिति बनाई है इस बात की जांच करने के लिए कि क्या वास्तव में इस सिरप के यूज करने से इन बच्चों की मौत हुई है। तो उसमें जो है उसके अध्यक्ष बनाए गए हैं वाई बी गुप्ता। और ये बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये प्रश्न जरूर पूछा जाएगा, ये बिल्कुल जरूर पूछा जाएगा इसमें, है ना। गांबिया में 4 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है, है ना। WHO ने कहा है कि भारत के सिरप से ही ऐसा हुआ है, 4 सदस्यीय, 4 सदस्यीय पैनल बनाया गया है
समिति कह सकते हो, चार सदस्य समिति जिसके अध्यक्ष हैं है ना डॉक्टर वाई के गुप्ता। इसमें और कौन कौन लोग हैं? वाईके गुप्ता, प्रज्ञा डी यादव, आरती बहल, इसके और सदस्य हैं प्रज्ञा डी यादव, अन्य सदस्य हैं प्रज्ञा टी यादव, ये हो गए पहले, दूसरे आरती बहल, इसमें आरती बहल हैं और एक सदस्य इसमें है के प्रधान। है ना, तो ये चार लोगों की एक समिति बनी है जो इस बात की जांच करेगी कि क्या वास्तव में जो सिरप बना है वो उसी की वजह से बच्चे मरे हैं। अब कंपनी क्या है, सोनीपत स्थित कंपनी मेडन फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, सोनीपत की कंपनी है, सोनीपत की कंपनी मेडन फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड को बैन कर दिया गया है। को बैन कर दिया गया है, ध्यान रखेंगे। और इसी कंपनी में दवा बना था, सोनीपत, सोनीपत कहाँ है? हरियाणा, सोनीपत हरियाणा है ना, तो हरियाणा की एक कंपनी है जिसका नाम है मेडन फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, और को बैन कर दिया, इसी ने सिरप बनाए थे जिसके बताया WHO ने कहा है कि ये जो बच्चे मरे हैं वो इसी कंपनी और भारत के सिरप से ही मरे हैं। तो चार सदस्यीय समिति बनाई गई है इस बात की जांच कर लिए WHO की, है ना, तो ये बात याद रखिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। WHO का मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय है जेनेवा में, WHO का मुख्यालय जेनेवा में है ना, ध्यान रखिएगा। और जो है इसकी प्रमुख कौन है? टेड्रोस एघानम घेब्रेयेसस, टेड्रोस एघानम इसके प्रमुख हैं। 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 के समापन समारोह की अध्यक्षता किसने की? 36वें राष्ट्रीय खेल समापन समारोह की अध्यक्षता किसने की, है ना? अभी 36वें राष्ट्रीय खेल जो हुए हैं कहाँ हुए हैं? तो 36वें राष्ट्रीय खेल कहाँ हुए हैं? तो 36वें राष्ट्रीय खेल जो हुए हैं वो गुजरात में हुए हैं। तो इसका जो सही जवाब होगा ये हो जाएगा हमारे वर्तमान राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने, है ना, समापन के किए, ये वर्तमान उपराष्ट्रपति हैं, वर्तमान उपराष्ट्रपति हैं। तो 36वें समापन खेल कहां हो रहा था? 36वां राष्ट्रीय खेल, 36वां राष्ट्रीय खेल गुजरात के 6 शहरों में, गुजरात के 6 शहरों में हुआ है। कब से कब तक हुआ है? 29 सितंबर से 12 अक्टूबर 2022 तक हुआ। इसका शुभंकर क्या था? सावज, शुभंकर सावज है ना, शुभंकर जो है इसका सावज है। सबसे ज्यादा मेडल किसने जीता? सर्विसेज ने सबसे ज्यादा इसमें मेडल जो जीता है वो जीता है सर्विसेज ने, सबसे ज्यादा मेडल जीता है 61 गोल्ड, और 61 गोल्ड के साथ कुल मेडल 128। दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र, तीसरे पर हरियाणा,
हरियाणा ने जो मेडल जीता है 38 गोल्ड के साथ टोटल 116 मेडल है ना। तो तीन स्थान रहे हैं, तीन स्थान सर्विसेज, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा हरियाणा, आठवां यूपी है ना। यूपी आठवें नंबर पर रहा है, यूपी जो है आठवें नंबर पर है। उत्तर प्रदेश 20 गोल्ड के साथ टोटल 56 मेडल इन्होंने अपने नाम किए हैं। तो ध्यान रखेंगे महत्वपूर्ण प्रश्नों का, सभी लोग याद रखिएगा। इस पर स्पेशल वीडियो आपको सीएल कैरियर एकेडमी से मिल जाएगा। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में किसने भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान IIIT राष्ट्र को समर्पित किया है ना। तो यह किया है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। IIIT का पूरा नाम क्या है देखो, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है ना। कहां पर? हिमाचल प्रदेश की ऊना जिले में एक नया IIIT बनाया गया है, जिसका उद्घाटन किया है हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो ये प्रश्न हो जाएगा आपको, ये प्रश्न जो है ये जरूर होगा है ना। तो याद रखिएगा ऊना जिले में एक नया सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान बना दिया गया है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। हिमाचल प्रदेश की राजधानी, हिमाचल प्रदेश इसकी राजधानी कहां है? राजधानी शिमला। शिमला जो है ये ग्रीष्मकालीन है, गर्मी वाला है ना, ग्रीष्मकालीन। और धर्मशाला ये है सर्दी, शीतकालीन राजधानी है ना। हिमाचल प्रदेश के सीएम है जयराम ठाकुर, जयराम ठाकुर जो है हिमाचल प्रदेश के सीएम है, याद रखिएगा। हिमाचल प्रदेश में शिपकिला, रोहतांग दर्रा बहुत फेमस है, शिपकिला और रोहतांग दर्रा बिल्कुल फेमस है। हाल ही में किस देश में महात्मा गांधी के जीवन पर समर्पित गांधी संग्रहालय है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गांधी संग्रहालय खोला गया है। गांधी संग्रहालय कहाँ खोला गया है याद रखना है आप लोगों को, बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह खोला गया है यूएसए में, यूएसए मतलब अमेरिका में, अमेरिका में खोला गया है ना। किस देश में गांधी जीवन का समर्पित अमेरिका में खोला गया है एक संग्रहालय है ना। अभी गांधी जी की मूर्ति का ओमान में, ओमान गांधी मूर्ति, गांधी प्रतिमा का अनावरण ओमान में किसने किया? विदेश राज्य मंत्री बी मुरलीधरन ने किया था। गांधी प्रतिमा का अनावरण ओमान में बी मुरलीधरन ये है विदेश राज्य मंत्री हैं है ना, इन्होंने किया था ओमान में, हाल ही में किया था इन्होंने। इसके पहले जॉर्जिया और पराग्वे में गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण किया था हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने। देवी याद रखिएगा है ना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। गंगटोक में सरदार पटेल का एक प्रश्न याद रखिएगा, सिक्किम के गंगटोक में सरदार पटेल की प्रतिमा का अनावरण, सरदार पटेल की प्रतिमा का अनावरण अमित शाह ने किया है। तो ये बात भी याद रखिएगा, गंगटोक सिक्किम में है, ये सारी बातें आपको याद होनी चाहिए, बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। हाल ही में भारतीय नौसेना ने कहा अपतटीय सुरक्षा अभ्यास
प्रस्थान किया है, भारतीय नौसेना ने किया है अब तटीय सुरक्षा अभ्यास, तो ये किया गया है आंध्र प्रदेश में। अब तटीय सुरक्षा अभ्यास आंध्र प्रदेश में किया गया, इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, बी आंध्र प्रदेश, है ना। किसने किया है? नौसेना ने किया है, याद रखिएगा नौसेना ने किया है। कौन सा अभ्यास किया है? प्रस्थान। अब तटीय, तटों की सुरक्षा के लिए, तटीय सुरक्षा, तटीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, सुनिश्चित करने के लिए यह किया गया है। आराम से कह दिया, अब तटीय सुरक्षा अभ्यास प्रस्थान किया है नौसेना ने। नौसेना दिवस कब मनाते हैं? नौसेना दिवस बताइए, आप लोगों को बताना है कि नौसेना दिवस कब मनाते हैं यह बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। नौसेना दिवस और थल सेना दिवस भी मनाया बताना है, अब वायुसेना दिवस भी, तीनों कब मनाते हैं। हमारे नौसेना प्रमुख कौन है? एडमिरल आर हरि कुमार। कौन है? आर हरि कुमार, एडमिरल आर हरि कुमार हमारे नौसेना प्रमुख हैं, है ना, नेवी चीफ हैं। याद रखिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। हाल ही में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की निदेशक कौन बनी है? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की निदेशक कौन बनी है? तो इसको याद रखना है, मृणालिनी श्रीवास्तव बनी है। इसका सही जवाब जो हो जाएगा, मृणालिनी श्रीवास्तव, इसका सही जवाब है डी, डी बिल्कुल सही जवाब है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, तो इसकी नई निदेशक बन गई हैं, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की नई निदेशक जो बनी है वो बनी है मृणालिनी श्रीवास्तव। अच्छा, हम एनडीएमए बोलते हैं, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, एनडीएमए, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। स्थापना, इसका गठन कब किया गया था? इसका जो गठन किया गया था 2005 में, और इसका जो हेड ऑफिस है वो है सफदरजंग नई दिल्ली, सफदरजंग नई दिल्ली में इसका मुख्यालय, सफदरजंग नई दिल्ली में मुख्यालय है, और इसकी निदेशक जो बन गए हैं वो मृणालिनी श्रीवास्तव बन गई हैं। याद रखिएगा, मृणालिनी श्रीवास्तव, है ना। ये किस मंत्रालय के तहत काम करता है? तो यह गृह मंत्रालय के तहत काम करता है, गृह मंत्रालय के तहत कार्य करता है, गृह मंत्रालय के तहत कार्य करता है, भी याद रखिएगा। भारत सरकार की संस्था है, भारत सरकार की संस्था है, तो ये बात आपको याद रखना है, भारत सरकार की संस्था, गृह मंत्रालय के तहत कार्य करता है, बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। एनडीएमए, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, एनडीएमए 2005 में आया था, सफदरजंग नई दिल्ली मुख्यालय, गृह मंत्रालय के तहत कार्य करता है। मृणालिनी श्रीवास्तव इसकी क्या बन गई हैं? निदेशक बन गई हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
अब यहां देखेंगे राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष, एनडीएमए का अध्यक्ष, ये तो महानिदेशक है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की निदेशक बनाई गई है, एनडीएमए का अध्यक्ष। याद रखिएगा, जब अध्यक्ष पूछा जाए तो अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री, अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, है ना, राष्ट्रीय लेवल का। अगर हो जाएगा स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी राज्य के लिए, तब हो जाएंगे अध्यक्ष इसके मुख्यमंत्री। अगर राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण हो तो अध्यक्ष हो जाएगा मुख्यमंत्री, और इसके साथ ही जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, है ना, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण अगर बात आ जाए, एक ये हो गया, ये हो गया दो, तीसरा जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण अध्यक्ष तो हो जाएगा जिलाधिकारी। इसका क्या आंसर हो जाएगा? जिलाधिकारी। तो जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का जो अध्यक्ष होता है जिलाधिकारी होता है, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का जो अध्यक्ष होता है मुख्यमंत्री होता है, और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का जो अध्यक्ष होता है वो देश का प्रधानमंत्री होता है। ये सभी और तीनों तीनों याद रखेंगे आप लोग। चलिए आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे इसी तरीके के प्रश्नों के साथ। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।